नमस्कार दोस्तों, जनरल स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं बिहार बीएड 2020 का प्रैक्टिस सेट मैथ का देखेंगे। दोस्तों, जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से बिहार बीएड की सारी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है, बिहार बीएड का यदि सेट बना रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक होकर के मेरे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए देखते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखेंगे दोस्तों। आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन है दोस्तों, 16 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत 60 रुपया है, 60 रुपया है, 6 सेंटीमीटर कीमत की गणना करें। इससे पहले पूछा गया है दोस्तों, वही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट वन में बताएंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है, 16 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत 60 रुपया है। 16 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत कितना है दोस्तों? 60 रुपया है। तो 6 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत की गणना करें। बोल रहा है 16 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत, कपड़े की कीमत कितना है दोस्तों? 16 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत कितना है? 60 रुपया, 60 रुपया। 16 सेंटीमीटर का 60 रुपया है, इसीलिए 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों? 60/16 भागा हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा दोस्तों? अब क्या कह रहा है दोस्तों, 1 मीटर का निकल गया, 1 सेंटीमीटर का निकल गया। 16 सेंटीमीटर का था 60 रुपया, 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो 60/16। चलिए दोस्तों, अब कितना मीटर का बोल रहा है क्वेश्चन में? 6 सेंटीमीटर कीमत की कपड़े की कीमत क्या होगा? इसीलिए 6 सेंटीमीटर, तो 60/16 गुना 6, कि 1 मीटर का दाम इतना है, 6 सेंटीमीटर का निकालना है। 1 सेंटीमीटर का था इतना रुपया, इसीलिए 6 सेंटीमीटर निकाल, 6 से गुना हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे। ये कटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 + 6 = 16, 4 से काटिए, 4 × 8 15 × 60 क्या हो गया दोस्तों? 15 × 3/2, 15 × 3/2 15 को 3 से गुना करेंगे दोस्तों तो 45/2 कितना रुपया हो गया? रुपया, इसको पॉइंट में लिखेंगे दोस्तों तो 22.50 रुपया, यानी 22 रुपया 50 पैसा आंसर हो गया। दोस्तों, मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़िए और अपना कोई भी क्वेश्चन हो बिहार बीएड से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप लिंक से जुड़कर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 172 और 272 दोनों के 20% का अंतर क्या है? 172 और 272 दोनों के 20% का अंतर क्या है? क्या है दोस्तों, 172 का 20%, 172 का 20% माइनस 272 का 20%। 172 और 272 दोनों के 20% का अंतर क्या है? क्या हो जाएगा दोस्तों, 172 तो ये बड़ा है, जो बड़ा है उससे माइनस होगा दोस्तों, अंतर पूछ रहा है। इन दोनों का क्या पूछ रहा है, अंतर क्या होगा? 272 × 20/100 - 172 × 20/100 परसेंटेज टूटा तो 100 नीचे आएगा। अब काटेंगे दोस्तों तो 20 × 5 = 100 हो गया। यहाँ क्या हो गया दोस्तों, 20 × 5 = 100, 272/5 माइनस 172/5। 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा दोस्तों, सेम संख्या रहने पर सेम डिजिट एलसीएम आता है। 172, 272 में से 172 माइनस हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, 100/5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 20, यही क्या हो गया आंसर हो गया।
चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाए जो 124 और 93 को बिल्कुल विभाजित कर सकती है। क्या है दोस्तों 193 और 24, 124 और 93 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, ऐसा कौन सा संख्या है बड़ा से बड़ा जो 193 और 124 और 93 को विभाजित कर सकती है। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों मैंने जनरल कंपटीशन जनरल स्टडी ग्रुप में जो वीडियो डाला है उसमें आपको HCF और LCM जो दिए हैं ट्रिक, उसमें मिल जाएगा दोस्तों। उस ट्रिक की सहायता से आप आसानी तरीका से कोई भी HCF और LCM का क्वेश्चन होगा तो उसको आप बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन उसमें डाला गया है। चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाए जो 124 और 93 को विस्तृत रूप से पूर्णतः विभाजित करती है। 124 और क्या है दोस्तों 93 को पूर्णतः रूप से क्या करती है? बिल्कुल विभाजित करती है। 124 क्या बोले थे दोस्तों? 124 का क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या होगा दोस्तों? दो गुना इकतीस, दो दुना चार, 31 को चार से गुना करेंगे 124 होगा। अब 93 का भी क्या करेंगे दोस्तों? गुणनखंड करेंगे, तीन से लगाएंगे, 31 दिया 93। अब क्या निकालना है दोस्तों? 900 निकालना है। सवाल में क्या निकालना है इस सवाल का? 900। आप मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, HCF LCM जो डाले हैं। चलिए क्या हो जाएगा 900 दोस्तों? 900 क्या हो जाएगा? क्या बोले थे वीडियो बोले थे HCF और LCM का जो डाले थे वीडियो, क्या बोले थे? जो दोनों में आएगा, जो दोनों में कॉमन आएगा वही क्या होगा? वही हो जाएगा 900। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 31 आ रहा है और तीन, देखिए तीन एक ही में आ रहा है, तीन इसमें नहीं है, तीन आता तो तीन भी लेते, 31 कॉमन आ रहा है। 31 क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। तो सब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो? चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है, एक आदमी प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 15 दिनों में एक काम पूरा करता है। एक आदमी कितना दिन काम 4 घंटे करता है तो 15 दिन में काम क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। वह प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में काम पूरा करेगा? एक आदमी 4 घंटे कार्य करके 15 दिनों में क्या कर लेता है? काम पूरा कर लेता है। 4 घंटे काम किया तो 15 दिन में क्या हुआ? काम कंप्लीट हो गया। काम करके 15 दिन में पूरा कर लेता है, 15 दिन में काम पूरा कर लेता है, काम पूरा कर लेता है। टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क यानी कुल कार्य। 4 घंटा प्रतिदिन करता है तो 15 दिन में क्या हो जाता है? काम समाप्त हो जाता है। तो टोटल वर्क में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा वही काम किया हुआ। टोटल वर्क 4 गुना 15, टोटल काम कितना हो गया? 60 कितना हो गया दोस्तों? 60 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में काम पूरा करेगा? 6 घंटे लगा समय बराबर, लगा समय निकालना है कितना दिन में पूरा कर लेगा। 6 घंटे यदि करेगा तब कितना दिन में पूरा करेगा? टोटल कितना है? 60। 6 घंटा एक दिन में करता है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 6 × 60 = 10। यही क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। अभी वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो कि स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, करण 2 मिनट में 90 मीटर चलता है। करण 2 मिनट में कितना चलता है? 90 मीटर। तो वह 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 2 मिनट में
मिनट में कितना चलता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5, 2 मिनट में 90 मीटर चलता है, 90 मीटर चलता है। एक मिनट में क्या हो जाएगा दोस्तों? एक मिनट में कितना चलेगा? 90/2 यानी कितना? 45 मीटर चलेगा, 45 मीटर। तो एक मिनट का निकल गया दोस्तों, तो अब कितना मिनट में बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 5 मिनट। एक मिनट का निकल गया तो 5 मिनट का निकालना क्या होगा? गुना हो जाएगा 5 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी इसके द्वारा, करण के द्वारा तय की गई दूरी, करण के द्वारा कितना होगा दोस्तों? एक मिनट में 45 मीटर चलता है, 5 मिनट में 5 से गुना, 25, 4, 5, 20, 22, 225 मीटर। यही क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।